हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल सभी टेट एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपके साथ हैंडमेड नोट्स से एक क्लासेस शेयर करती हूँ, जिसमें क्या होता है, एक क्लास से आपका डबल फायदा होता है। आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको समझाने के लिए एक क्लास भी मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग में पैसे दोगे तभी आपको नोट्स मिलेंगे, तभी आपको क्लासेस मिलेंगी। मेरे चैनल पर दोनों काम ईजिली हो जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका सपोर्ट जरूर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं शेयर करने वाली हूँ CDP के टॉप 10-30 क्वेश्चन, जो कि डिफरेंट हैं। कुछ क्वेश्चन यूपी टेट सीटेट में आए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चन एचटेट में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो वह उसे क्या करेगा? तत्काल घर वापस भेज देगा, या बच्चे को नजरअंदाज करेगा, या बच्चे को दंड देगा, या बच्चे को परामर्श देगा, यानी कि क्या इनमें से सही होगा? तो आप देख सकते हो कि वो क्या करेंगे, बच्चे को परामर्श देंगे, यानी कि उसकी काउंसलिंग करेंगे कि उसे प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच इज, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ मुख्यतः संबंधित हैं, यानी कि जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो किससे संबंधित होती हैं? हम जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ कराते हैं वो क्यों कराते हैं? इसलिए ना कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका वैतिक विकास हो या उसका मानसिक विकास हो या संस्थानों शैक्षिक संस्थानों का विकास हो, नहीं, इसलिए कराते हैं कि उसमें खेल कूद सारी ड्राइंग सब चीज़ें, मतलब अगर हम बच्चे से कराते हैं स्पेशली फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास तक, वो इसलिए कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया? तो आप यहाँ पर सीधा इसका आंसर समझ सकते हो, BS ब्लूम्स ने, क्योंकि थंडाइक ने भी थ्योरी दी हुई है, स्किनर ने भी थ्योरी दी हुई है, एंड कोहलर ने भी दी हुई है। ठीक है, सारी थ्योरी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी हैंडमेड नोट्स, सो आप प्लीज़ चेकआउट जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्लियरली आप समझ सकते हो BS ब्लूम्स ने क्या किया था, उन्होंने अपना क्लास क्लासिफिकेशन दिया था, उन थ्योरीज के आगे का वर्क किया था, बट उन्होंने थ्योरीज नहीं दी थी। नेक्स्ट वन इज, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? अवरोधन का मतलब होता है सीधे सीधे, अगर आपने नहीं देखी है मेरी क्लासेस में तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगी इस पर भी, तो अवरोधन होता है एक ही क्लास में बहुत टाइम तक रहना, यानी कि फेल हो जाना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो जो आपका स्किल है उसमें कौन सा ऐसा स्किल है जिसमें आप प्रीवियस नॉलेज की बात करते हो? तो देखिए, प्रदर्शन कौशल में आप प्रीवियस नॉलेज की बात नहीं करते हो, क्लियरली प्रदर्शन में आप सिर्फ शो करते हो। प्रस्तावना कौशल में आप क्या करते हो, उसमें आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हो, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं स्किल, इंट्रोडक्शन स्किल चैप्टर पढ़ाते हुए, तो हम क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया या बच्चों को क्या था इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका टेस्ट करते। तो यानी कि पूर्व ज्ञान का ज्ञान हमने किस में लिया, प्रस्तावना कौशल में। ठीक है, देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो आपको पता है रेनफोर्समेंट की जो थ्योरी दी थी वो थी क्रिया प्रक्षुब्ध अनुबंधन सिद्धांत की। ठीक है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। तो क्लियरली आपको ये आंसर समझ आ गया। अगर आपने सारी थ्योरीज देखी हैं लाइक स्किनर की, कोहलर की, मेरे चैनल पर नोट्स भी मिल जाएंगे, क्लासेस भी मिल जाएंगी, सिर्फ आपको जाना है एंड देखनी है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कुछ सेकंड्स में गैस कर लोगे कि क्रिया प्रक्षुब्ध अनुबंधन सिद्धांत है ये। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, कौन सी अवस्था ब्रूनर अवस्था के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो देखिए, क्रियात्मक अवस्था भी है, प्रतिबंबात्मक अवस्था भी है, एंड संकेतात्मक अवस्था भी है, बट अंतःप्रज्ञ अवस्था नहीं है। आपको हिंदी एंड इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश टाइप का भी क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड। देन है, मॉरिशन हैज डिस्क्राइब्ड 5 स्टेप्स इन हिज टीचिंग मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल, विच आर? तो उसमें से लाइक इनका क्रम क्या है, आपको क्रम बताना है। फर्स्टली हम किसे लेते हैं, तो इसका सही आंसर है सेकेंड, क्योंकि सबसे पहले हम खोज करते हैं, उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, देन हम आत्मीकरण करते हैं, देन संगठन करते हैं, और लास्ट में हम उसका वाचन या अभिव्यक्तिकरण करते हैं। क्लियरली देखो, इंग्लिश एंड हिंदी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाती हूँ, कुछ को इंग्लिश में। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, आपको टॉपिक समझ आने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन से कौन सा संबंध नहीं है? तो देखिए, ज्ञान भी है, प्रयोग भी है, बोध भी है, आपको सीधा सा पता है ज्ञान प्रयोग का। तो इसमें क्या है, अनुमूल्य जो है वो आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्लियर हुआ, सीधे सीधे आप समझ सकते हो। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो आपका अधिगम का वक्र नहीं होता है, कर्व ऑफ लर्निंग लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है, कोवेक्स भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन टाइप भी हो सकती है, कॉनकेव भी हो सकती है, बट लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका गिलफर्ड ने, एंड जिसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शेयर किया था जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 12 इज, कि इसमें आपको सेम मैचिंग करना है, तो इसमें मैचिंग का अगर आप सही आंसर देखोगे तो देखो, आपका जो ब्रूनर है वो आपका सीधे सीधे संबंध रखता है
कॉन्सेप्ट अटेंड टीचिंग मॉडल यानी कि सांप्रत्य उपलब्धि शिक्षण से, तो आपका ए का फोर्थ डिसाइड हो गया। देन आप समझ सकते हो जो आपका आंसू बैल है वो क्लियरली आपका अडेक्ट होता है अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिगण यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। मैं हिंदी में कोशिश कर रही हूँ इसलिए समझाने की क्योंकि मोस्टली मेरे पे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी के हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में, हालांकि हिंदी के वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाते हैं कभी कभी। तो इसका आंसर सेकेंड हो गया क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। तो देखो जब भी आप जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ना प्रॉब्लम को, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एंड सारे स्टेप्स हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बालकों को अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब, जब बालकों का संज्ञानात्मक भावात्मक एंड मनोचालक पक्षों का विकास होगा। यानी कि अगर सिर्फ शिक्षक बालकों को आगे लेके जाएगा तो भी वो हेल्पफुल नहीं है, पढ़ने लिखने और कुशलताओं पर ही बल होगा तो भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि सर्वांगीण विकास ही बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए यहाँ पे संज्ञानात्मक भावात्मक एंड मनोचालात्मक पक्ष का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमानों की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, यानी कि विच स्टेप इज प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसका आंसर है जनरलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो सबसे मेन होता है दोनों में जो आपस में अडेक्ट होता है वो होता है आपका जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इसमें अगर जो ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट होता है आपकी प्रीनेटल स्टेज यानी कि गर्भावस्था से ही। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लस ये काफ़ी क्वेश्चन जो आपके टेट के एग्जाम होते हैं उनमें आया हुआ है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है RM गे ने, उन्होंने इस बुक को लिखा था। क्लियरली आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें आपको थोड़ी भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव व हमलों की अवस्था है, यह कथन कहा था स्टेनले ने। हालांकि मे बी इसमें सेकंड भी हो सकता है, सेकंड तो आपका आंसर है, मे बी इसमें कुछ और भी आंसर की में आया हो, बट इसका जो मेनली अगर आप आंसर लिखोगे तो वो स्टेनले हॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमानों में कुल कितना समय लगता है, तो जो आपके NCERT के अकॉर्डिंग है वो आपकी जो माइक्रो टीचिंग होती है वो 36 मिनट की होती है। माइक्रो टीचिंग पे एक अलग से क्लास अपलोड है, वो आपको मेरे चैनल पे चेकआउट करनी है, ठीक है, तो 36 मिनट की होती है। नेक्स्ट इज सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तो इसका आंसर है गेट्स व अन्य। इसका आंसर होता आपका हॉलिंगवर्थ, अगर वो सिर्फ प्लेट्यू की बात नहीं करते बट प्लेट्यू की बात की है तो इसका आंसर है आपका गेट्स में अन्य। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका सेम मैचिंग, तो देखो मैचिंग में आप समझ सकते हो जो आपका अडॉप्टेशन है वो प्याजे से है। क्लियरली अडॉप्टेशन प्याजे से मतलब रखता है, यानी कि फोर्थ सेकंड से अटैच है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो सकते हैं बट इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि जो आपका ML है वो आपका थर्नडाइक की बुक है, ठीक है, ML इंटेलिजेंस, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है तो देखो एकीकरण का नहीं हो सकता, इस सिद्धांत अंत्यक्रिया का भी नहीं हो सकता, अंत्य संबंध का भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर हुआ है यहाँ तक का, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करने की, वही आंसर होता है, वही स्टूडेंट के साथ होना भी चाहिए कि उन्हें एक्सप्लेनेशन भी मिलनी चाहिए। डायरेक्ट आंसर लिखने से कुछ नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन का फायदा होता है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है तो क्या होगा, आपका रिवाइज टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी, तो इसका आंसर है 86वें संशोधन से, तो ये मैंने शेयर भी किया हुआ है, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को तो आप याद रखिए, आपका MTET हो, आपका UPTET हो, आपका CTET हो या आपका REET एग्जाम हो, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादन मैकड्यूल थे, आप सबको पता है उन्होंने 14 जो अंत प्रवृत्तियाँ थी उनका वर्णन किया था, मूल प्रवृत्तियों का सॉरी, तो मैकड्यूल कर आप इजीली समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 इज विकास की किस अवस्था को कोल था ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा था, ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस, तो इट इज बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने बहुविमात्मक प्रत्या का वर्णन किया था, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को किसने दिया था, तो गार्डनर ने दिया था, 8 टाइप्स का दिया था, ये आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 इस डिस्क्लेसिया में यह क्या कठिनाई होती है, तो उसका जो डिस्क्लेसिया होता है वो मेनली आपका समझ रखता है पढ़ने से, ठीक है, और पढ़ने से लाइक आपकी रीडिंग होगी सही तो ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका जो है रीडिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो डिस्क्लेसिया होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इस निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, समावेशी शिक्षा पे एक डिटेल नोट्स के साथ क्लास शेयर कर रखी है मैंने, तो प्लीज़ आप ओल्ड वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमारा जो समावेशी शिक्षा से मतलब होता है वो होता है सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, ठीक है, बट इन्होंने नहीं लगाया है, तो इसका आंसर होगा शिक्षक को निःशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं है ना, क्योंकि नहीं की बात हो रही तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 इज
कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, लाइक अलाउ नहीं करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए या उन्हें डिस्करेज करना चाहिए? तो बिल्कुल उन्हें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि तभी तो उनका विकास होगा। शिक्षक होते इसलिए हैं कि बच्चे को मोटिवेट करें। लास्ट क्वेश्चन इज, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है। तो देखिए, बच्चे की जो वृद्धि होती है वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास से संबंधित होती है, क्योंकि इंसान दिखता कैसे, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, वो आपका मेनली होता है वृद्धि, जो कि मुख्यतः देखी जाती है। सो आपको मैं नेक्स्ट क्लास शेयर करती हूँ एक अदर सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।